Hi students, in this video I am going to share with you the topic of statistics of standard 12th, class 12th के लिए ये video बना रही हूँ और कोशिश है कि JEE main में जिस pattern में questions हैं वो मैं उठा पाऊँ। ये statistics का first part है, इसके second और third part भी आप देख लीजिएगा, description box में link मिल जाएगा। तो first part में मैं आपको तीन topics बताऊँगी, main, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये तीन टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, बहुत बेस बताऊंगी, इसके बाद आप आगे का भी वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर्स में जो आईआईटीज वगैरह में जेईई मेन एंट्रेंस में क्वेश्चंस लिए जाते हैं उनको भी इंक्लूड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर वन, कि मेरे पास एक डेटा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपसे कहा जा रहा है कि आप मीन भी बताइए, वेरियंस भी बताइए और स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि मीन आप कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और आप इसको काउंट करिए तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 over 5। येट मीन्स आपका मीन हो गया 3। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक। अब आप इसका वेरियंस कैसे निकालेंगे? आपको वेरियंस निकालने के लिए क्या करना है, अब हम देखिए वेरियंस निकालने जा रहे हैं। देखिए आपका मीन आया है 3, क्लियर, आपका मीन आ गया 3। अब आपको वेरियंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए आपकी ये जो हर एक डिजिट है आपको उसका स्क्वायर करना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और आपको नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है। इसके बाद आपको माइनस करना है जो आपका मीन आया है उसके स्क्वायर से। ये वेरिएंस का मेथड है, मैं फॉर्मूला डिस्कस करने नहीं जा रही हूँ, डायरेक्ट अप्लाई आप कैसे करेंगे एक सिली से एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ जिससे आपको फॉर्मूला एकदम दिमाग में याद हो जाए। अब आप इसके स्क्वायर निकाल लीजिए, 1, 4, 9, 16 एंड 25, और आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए और मीन आपका 3 था उसका स्क्वायर हो गया। अब आप इसको ऐड करिए, 9, 1, 10, 16, 4, 20, 20 और 10, 30, 30 और 25, that means 55 over 5 -9, that means 11 minus 9, we have 2। इस तरीके से वेरियंस निकलेगा। अब इसके बाद मैंने आपको थर्ड बताया है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। मैं इसको फिर से बता दूं, आपकी जो भी डिजिट है पहले आपको सबके स्क्वायर करने हैं और जितनी नंबर ऑफ डिजिट है उससे डिवाइड करना है, और उसके बाद आपको माइनस करना है जो आपने मीन निकाला है उसके स्क्वायर से। तो इस तरीके से आपका वेरिएंस आएगा, ठीक, बोलिएगा नहीं। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपका जो भी वेरिएंस का आंसर आएगा आपको उसका अंडर रूट निकाल लेना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है अंडर रूट 2। ये बहुत ही एलिमेंट्री बेस पे मैंने आपको समझाया है। अब मैं क्वेश्चंस लूंगी आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के, उसके पहले एक दो चीज़ें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, नहीं तो वो छूट जाएंगी। कि अगर जैसे एक ट्रिक आती है कि जैसे मान लीजिए कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, कुछ हाइट्स दी हुई हैं बच्चों की, और आपसे कहा जाता है कि इसका मीन मान लीजिए 10 आ रहा है, फिर आपने कहा कि आपने हर बच्चों हाइट में 1 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो उसके मीन में क्या फ़र्क, तो आप सिंपली क्या करते हैं उस मीन में 1 डायरेक्ट प्लस कर देते हैं और आपका नया मीन आ जाता है। अगर आपसे कहा जाता है किसी डिजिट में कोई नंबर हम सब डिजिट में से माइनस कर रहे हैं तो मीन पे क्या असर पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट मीन से उसी डिजिट को माइनस कर देते हैं और आपका नया मीन आ जाता है। लेकिन मीन और वेरियंस बदलता है इस तरह के केसेस में, लेकिन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नहीं बदलता, चाहे कोई भी डिजिट ऐड हो उसमें, चाहे कोई भी डिजिट सबट्रैक्ट हो। ये दो बातें याद रखिएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपको किसी चीज़ का मीन दिया गया और आपको कहा जाएगा उसमें ये जोड़ दिया जाए,
तो आपका नया मीन क्या होगा और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो मीन में तो आप वो डिजिट जोड़ देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपका निकाला था कि मीन आपका 3 है और आपकी डिजिट्स मैंने ली थी 1, 2, 3, 4, 5। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हर डिजिट में 2 प्लस कर दीजिए, आप हर डिजिट में 2 प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके मीन में क्या फर्क पड़ेगा, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। आप डिवाइड 5 से करेंगे, सॉल्व करिए, 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 18 और 7, 25 over 5, आपका देखिए 5 आ गया, यानी आपका मीन देखिए 2 बढ़ गया। और अगर आप डायरेक्ट ट्रिक से निकालेंगे, आपने मीन में डायरेक्ट उसी गिनती को ऐड कर दिया और आपका देखिए फिर 5 आ गया। यानी मीन मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी गिनती को इसी तरह जैसे प्लस करने के बजाय माइनस करते हैं तो मीन उतना ही घट जाएगा, लेकिन वेरिएंस भी चेंज होता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चेंज होता। यानी अगर हम इस नए केस के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन आपका अंडर रूट 2 आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये सब हो गया बेस लेवल पर, एक क्वेश्चन और है बेस लेवल का, वो भी मैं डिस्कस कर दूँ क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैं यहाँ पर उसको कर दे रही हूँ। वैसे मीन मीडियन मोड का एक बेसिक सा पूरा वीडियो बना है जिसमें मीन मीडियन मोड सारे फॉर्मूले जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे, आपको रिवीजन करना हो तो उससे रिलेटेड वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर किसी को पढ़ना है तो। और एक आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मोड इज इक्वल टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन। ये एक रिलेशनशिप है, इसमें क्या है कि अगर हमको मोड या मीन या मीडियन दो गिनती दो चीज़ें दी हुई तो तीसरी चीज़ हम कैसे निकालेंगे, तो इस रिलेशन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अब हम IIT में जो अभी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक एक करके ले रही हूँ, उसमें से कुछ सेलेक्टेड ले रही हूँ जो मुझे लगते हैं थोड़े डिफरेंट हैं, ईजी नहीं लूँगी, तो वो आप अगर मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, थैंक यू। मैं शेयर स्टार्ट कर, अब देखिए इस तरह का मेरे पास क्वेश्चन है, इस तरह का मैं एक क्वेश्चन समझा रही हूँ और इससे रिलेट कई और क्वेश्चंस आपको दूंगी, वो आप अपने आप करिएगा, कम से कम एक दो आपको दे दूंगी, वो आप अपने आप करिएगा और बेस देखिएगा इसी क्वेश्चन का रहेगा। और इस तरह का क्वेश्चन 19 में इससे पिछले साल आया भी है IIT में, ध्यान से देखिए। इफ मीन ऑफ द नंबर्स, ये नंबर्स हैं आपके, इज 6, ये आपका मीन है, एंड वेरिएंस इज 6.80, ये आपका वेरिएंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी बीच में उन डिजिट्स में आपके कुछ वैल्यूज गायब हैं, तो आपके जो डेटा दिया है वो है ए बी 8, 5 and 10। आपका जो मीन दिया है वो आपका 6 है और वेरिएंस जो दिया हुआ है वो है 6.80, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज गए हैं, अब आपको यहाँ मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालिए। आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, फाइंड द रेशियो बिटवीन टू वैल्यूज, फाइंड द प्रोडक्ट टू वैल्यूज, तो आप वो दो वैल्यूज निकाल के आराम से उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उनका रेशियो निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो वो आप आगे कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का मेथड है वो आप कैसे फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप पहले मीन से स्टार्ट करेंगे, मीन आपका 6 दिया हुआ है, तो आपने मीन का फॉर्मूला लगाया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 8 + 5 + 10, और आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और आपकी मीन की वैल्यू कितनी है 6, ये आपने रख लिया, तो आपने यहाँ पर 6 रख लिया, ठीक है। अभी आपका हो गया 6, 5 से 13, ये आपका आ गया ए प्लस बी प्लस 8, 5, 13, that is 23। अब आप इधर ले आएंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो आपकी इस तरीके से एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक। अब आप वेरिएंस पे काम करेंगे,
मैंने आपको अभी बताया कि आप वेरिएंस कैसे निकालेंगे। हर डेटा का आप स्क्वायर करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ओवर आपके डेटा कितने हैं फाइव माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64 25 100 ओवर 5 आपका क्या है 6 दैट इज 30। नाउ दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐड करिए 64 प्लस 25 549628 दैट इज 189 माइनस 5 6 are 33 5 3 are 15 16 17 18 ओवर 5। क्लियर? और वेरिएंस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 6.80 इज इक्वल टू 6.80 6.80 दिया हुआ है। ठीक, अब आपका ये रिलेशनशिप बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6.80 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 6.80 इंटू 5 0 5 8 40 4 5 6 are 30 34 यू विल गेट 34 विच इज इक्वल टू 34। क्लियर? अब आप ये माइनस कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 9 5 25। ये आपकी सेकेंड रिलेशनशिप आ गई। यानी आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले मेन सॉल्व करना है फिर वेरिएंस सॉल्व करना है। आपकी दो इक्वेशंस आ गई और मुझे पता है अब आपको मैथ्स आती है, आप इन रिलेशंस के जरिए ए और बी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये a प्लस बी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप रिलेशन यूज करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर, इस पूरे की जगह आप 25 लिख सकते हैं प्लस 2ab। वी हैव 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 2ab, सो सब्सट्रैक्ट करिए तो 24 हो जाएगा 2ab, तो ab is equals to 12, that is value of a is 12 by b. Now put this value of a in the first equation. तो हमारे पास है a plus b is equal to 7, that means 12 over b plus b is equal to 7. ये आपका quadratic equation बन रहा है, तो 12 plus b square is equal to 7b. That means b square minus 7b plus 12 is equal to 0. आप इसको factorize करेंगे तो b minus 3 and b minus 4. Clear? So, when we divide it here, so either the value of a is 3, then value of b is 4. If the value of a is 4, then value of b is 3. So, अब इसके आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इनको मल्टीप्लाई करिए या इनको प्लस करिए या इनको माइनस करिए डिवाइड करिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। आप उस पैटर्न को बताने से उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कीजिएगा। एक ये पैटर्न देखिए, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दीज नंबर्स इज अंडर रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपको जो डेटा दिया हुआ है वो माइनस 1 0 1 एंड k है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अंडर रूट 5 है। आपको इस k की वैल्यू को फाइंड करना है। आप उसी प्रोसेस से चलिए, चाहे कितने भी फॉर्मूले हों कंफ्यूज मत होइए। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पहुंचना, उसमें आपको मीन और वेरिएंस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले मीन निकालिए माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस k ओवर 1 2 3 4 इट गेट कैंसल्ड, वी हैव k by 4। क्लियर? अब आप वेरिएंस कैलकुलेट करिए। आप इस मेथड को कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अप्लाई करिए, आप चिंता मत करिए किस तरह से क्वेश्चन कहाँ सॉल्व है, आपका आंसर जरूर आएगा।
माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर ओवर फोर माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर. सो वी हैव वन वन के स्क्वायर बाई फोर माइनस के बाई फोर का होल स्क्वायर. और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट फाइव है. वेरियंस आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है. तो यहां से वेरियंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइव. आप यहाँ पे फाइव रख लीजिए. क्लियर? अब आप इसके बाद क्या करेंगे? फाइव इज इक्वल टू वन वन टू प्लस के स्क्वायर ओवर फोर माइनस के स्क्वायर ओवर सिक्सटीन. क्लियर? अब आपने एलसीएम ले लिया. सिक्सटीन फोर टू जार एट प्लस फोर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. सो इधर आपने मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स एट्टी इज इक्वल टू एट प्लस थ्री के स्क्वायर. सो आप इसको माइनस कीजिए. 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर. बहुत इजीली देखिए आ गया. यानी आपको याद रखना है कि आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है वेरियंस की जगह रखने के. 10 में से 8 गया 2, 72 इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर. के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू 6, 3 4 12. सो वैल्यू फॉर द के इज 6 4s are 24, that is 2 under root 6 plus minus. अब बेटा मैंने तो वो फॉर्मूला बेस्ड आपको सिखा दिया, लेकिन अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या करें. तो अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड आपको बताने जा रही हूँ. आपको मीन तो पता ही है. मीन आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स आई ओवर एन, और इसको एक्स बार से शो करते हैं. और अगर आपको वेरिएंस शो करना है, वेरिएंस को सिग्मा से शो करते हैं. इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स आई ओवर एन होल स्क्वायर. और जब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो आपका इसी का अंडर रूट हो जाएगा. ये मैंने क्यों लिखा अब मैं ये बताने जा रही. मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू चेंज नहीं होती. तो अब अगर यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये वैल्यू वन से लेके नाइन तक जा रही है. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वन से नाइन का मतलब क्या है? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन प्लस एक्स एट प्लस एक्स नाइन. आपको उनको ऐड करना है, फिर उसको डिवाइड करना है नाइन से. ये इसका मतलब होता है. जिसको नहीं पता, जिसको पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है. ये एक्स आई माइनस फाइव दिया, यानी इन सबको अगर हम नाइन टर्म्स को जोड़ लेते हैं और उसमें से हर टर्म्स में से फाइव माइनस होता है तो उसका सम नाइन आ रहा है. यानी ये वैल्यू आपकी इसकी है, सिग्मा एक्स आई वाली है, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर ऊपर में लगा है, बाहर लगा है. और यहां पर आप देखिए यहीं पर स्क्वायर लगा है. तो ये वैल्यू आपकी ये वाली, हर टर्म का स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है. यहां सारे टर्म्स को ऐड करना है, स्क्वायर नहीं करना. यहां हर टर्म को स्क्वायर करके ऐड करना है, तब वो 45 आ रहा है. इसका ये मतलब है. अब दूसरी चीज, हमारे फॉर्मूले में डिवाइड करने वाला एन है. ये मैंने एन लिखा हुआ है. ये बेटा एन है और ये एक्स है.
तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 to 9 लिखा है ना, और यहाँ ये क्या लिखा है, 9 items, तो n यहाँ पर 9 है। अब आपको समझ में आ गया। और फॉर्मूला का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आपका ये थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस फॉर्मूले से कुछ बच्चों को याद हो जाएगा, कुछ बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको सिंपल वो मेथड बताया जिससे हर बच्चा वो क्वेश्चन कर सके और उसका कोई भी किसी भी बच्चे का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ना गलत हो, अगर वो मेरा ये वीडियो देखता है तो। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, हम अभी जो भी वैल्यू निकालेंगे फिर बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे वेरिएंस लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्लियर। तो ये स्क्वायर है वो 45 वैल्यू है, तो वी जस्ट राइट इट 45 एंड डिवाइडेड बाई 9, क्लियर। इसकी जगह, यानी इसकी जगह मैं एक स्टेप और लिख दे रही हूँ, आप इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर सिग्मा ओवर n माइनस एक्स आई माइनस 5 ओवर n होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला इसलिए सेम है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएंस में वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यू चेंज नहीं होती। अब आपका यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये आपका 45 है, आप 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इस पूरे स्क्वायर की वैल्यू 45 है, हमको इसका स्क्वायर नहीं करना, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 9, तो ये आपका 9 का अपॉन 9 ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कट के बन हो गया। ये आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एंड विच इज इक्वल टू 2। इन दिस वे द वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। बस खत्म क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लिया है मैंने, आपको दिया हुआ है, फिर आप ध्यान से देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज फ्रॉम 1 to n। हमें नहीं पता कि कितनी डिजिट्स हैं, उस क्वेश्चन में हमें पता था 9 डिजिट्स हैं, उनका सम 400 है। और सिंपल अगर जोड़ते हैं विदाउट स्क्वायर के सिग्मा ऑफ एक्स इट इज 80, दैट मींस व्हेन वी ऐड ऑल द एन डिजिट्स वी गेट सम ऑफ 80 एंड व्हेन वी स्क्वायर ऑल द डिजिट्स एंड टेक द सम वी गेट 400 एंड वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस केस में वेरियंस की मदद लेंगे क्योंकि जो वेरिएंस होता है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप अगर वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस के फॉर्मूले में सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स आई ओवर एन होल स्क्वेयर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका आ गया 400 ओवर एन माइनस 80 बाई एन होल स्क्वेयर, it must be greater than equal to 0. So it becomes 400 by n minus 1600 by n square. Clear? So, this is 1600. It is a 6400 n square. Clear? Now, 400 n square is equal to 6400 n, n get cancelled, so we have n is equal to 6400 over 400, so n is equal to 60, that means n must be greater than or equal to 60 because variance must be greater than or equal to 0. Okay, so the value of n either may be equal to 16 or greater than will be 16. So these types of the questions, they may be asked in the previous years of your JEE. So all the best. In the next video, I will make some more topics on the topic statistic and
मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप उससे जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।